हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि IFL में हमको स्टॉक में SIP किस तरह से लेनी होती है। काफ़ी मुझे वीडियो कॉल आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को कॉल आ रहे हैं कि सर हमको भी SIP स्टार्ट करनी है। जो आपने अभी वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले कि 20,000 आप अगर हर महीने सेव करते हो तो आपको 15% CAGR, 12% CAGR के हिसाब से आपको वो पैसा आपका करीबन 20 साल में 2 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। तो मैं म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मैं सेफ समझता हूँ अपने स्टॉक्स। ठीक है, हम सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक कोई ऐसे नहीं हुए, सब लार्ज कैप के ही स्टॉक्स हैं। तो म्यूचुअल फंड में वो लोग करते हैं जिसको स्टॉक का कोई नॉलेज नहीं होता है। ठीक है ना, तो हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करनी है, आप इसमें पहले लॉग इन करो, ttweb.indiainfoline.com, ये इसका वेबसाइट है। इसमें आप लॉग इन करना। आप जैसे ही अपना ID पासवर्ड डालोगे आपका ये लॉगिन हो जाएगा मेन पेज। ठीक है, अब मेन पेज स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो मार्केट रिपोर्ट, माय अकाउंट, ये सब चीज़ें हैं। हमें जाना है सीधा मार्केट में, फर्स्ट वाला ऑप्शन। मार्केट में हम गए तो नीचे आ जाओ, ये देखो स्टॉक SIP दिख रहा है ना, ये स्टॉक SIP, इस पर हमने क्लिक किया। ठीक है, ये हमारा आ गया एक इंटरफेस नया वाला। अब इसमें देखो ऑप्शन इन्वेस्ट बाई क्वान्टिटी या अमाउंट। आपको अमाउंट डालना हो तो अमाउंट डाल दो, क्वांटिटी डालना है तो क्वांटिटी। मैं प्रेफर करूंगा क्वांटिटी डालना। ठीक है, और ये लेजर से ही आपका कटेगा। लेजर क्या होता है, जो आपका बैलेंस होगा आपके IFL के अकाउंट में, उसमें से ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें भी बताऊंगा, पहले हम स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं। जो मैंने आज जो अपना लिस्ट दी है, ये 10,000 की SIP किसी को स्टार्ट करनी है, एक नॉर्मल रिटेलर को। आपको 20 की करनी हो तो क्वांटिटी डबल कर देना, 30 की करनी हो तो 3 गुना कर देना, 50 की करनी हो तो 5 गुना कर देना, वो आपके ऊपर है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि 10,000 रुपीज़ की SIP हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मेरे स्टॉक्स भी हैं जो मैं सोचा है कि ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करेंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे टाटा मोटर्स में, TCS टाटा की कंपनी है। ये हमने यहाँ क्वान्टिटी डाल दी 1। ठीक है, ये देखो जैसे उसका जो प्राइस होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1092। ये प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी 1, जैसे आगे थोड़ा और आगे आएगा मैं बताऊंगा। अभी दूसरा स्टॉक हम ले लेते हैं, सपोर्ट टाटा पावर लिया हमने। ये टाटा पावर हमने डाला, इसको ऐड किया। टाटा पावर 433 का है, तो यहाँ हम दो क्वांटिटी लेंगे, 866 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दो नंबर 2, यानी ये आपका सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट हो गई। थर्ड स्टॉक हम डाल देंगे विप्रो। विप्रो, ये विप्रो ले लिया आपने। विप्रो का प्राइस क्या है, 532, तो ये भी हम दो ले सकते हैं। हमने ऐसा देखा 10 स्टॉक लेंगे हम जिसका ऑन एन एवरेज 1,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक हो गए। चौथा स्टॉक हमने लिया है अदानी का, अदानी पोर्ट। इसमें आ गए, अदानी पोर्ट हमारा है 14 का, तो इसका हम एक ही लेंगे। अब आ जाओ हमारा फिफ्थ स्टॉक, वो है हमारा IRCTC, रेलवे का मोनोपोली स्टॉक है। इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसका ग्रोथ बहुत है फ्यूचर में। इसका भी 1,000 रुपये के आसपास है, तो हम एक लेंगे। ठीक है, ये आप प्रायोरिटी वाइज आप डाल सकते हो, 3, 4, आपको जैसा चेंज करना हो आप कर लेना, तो वो इस हिसाब से ही वो लेगा। कभी आपका फंड अगर कम होगा ना, तो जो भी अमाउंट अवेलेबल होगा वो प्रायोरिटी वाइज वो आपकी SIP ले लेगा। ठीक है, IRCTC हो गया। अब आ जाओ बैंकिंग में, बैंकिंग का सबसे बड़ा बैंक हम लेंगे, क्योंकि तो हम SIP कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। SBI से बड़ा बैंक तो कोई है ही नहीं, तो SBI का भी हमने एक स्टॉक ले लिया। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में हम भारती एयरटेल को लेंगे, भारती एयरटेल को ले लिया हमने। हर सेक्टर का लेंगे हम, ये ऐड किया हमने। ये 1,500 का स्टॉक है, तो ये हमने एक यहाँ पे आ गया। देखो तो पावर आ गया, ऑटोमोबाइल आ गया, सॉफ्टवेयर आ गई, पोर्ट आ गया, रेलवे आ गया, बैंक आ गया, टेलीकॉम आ गया। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई हो रहा है आपका। और जियो फाइनेंस, अंबानी की भी एक कंपनी लेनी है, नहीं लेनी है ये जियो फाइनेंस भी, इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे आने वाले फ्यूचर में। तो
जियो फाइनेंस में हम लेंगे, ये 300 400 का है, इसको लेंगे हम 3 स्टॉक, ठीक है। अभी आपका टोटल हो रहा है 8,800, ये इतने हो गए। टाटा पावर लिया, टाटा मोटर हो गया, IRCTC, एक स्मॉल कैप भी हम लेंगे, मेरा फेवरेट है ये IEX, आपको पता होगा, इसका भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। 200 रुपये का स्टॉक है, तो ये हम 5 ले सकते हैं, तो आपका 1,000 रुपये ऑन एन एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए इंडियन एक्सचेंज। अब हम एक इसमें ETF भी लेंगे, और ETF मुझे गोल्ड से अच्छा लग रहा है, सिल्वर, NETF SIL सिल्वर, SIL सिल्वर, तो ये सिल्वर बीज हमारा आ गया, सिल्वर बीज हमने लिखा, इसको ऐड किया, 80 रुपये का है ये, तो ये हम 10 ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपका देखो 10,000 रुपये का एक SIP का ये बन गया। अब क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि सिल्वर भी हमको अभी आने वाले टाइम में सिल्वर का ग्रोथ मुझे ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड का डिमांड थोड़ा अभी कम होगा, और आने वाले टाइम में सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा, तो हमने सिल्वर को भी ऐड करना है हमारे पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो मोटा मोटा इतना ले लिया, बाकी स्टॉक्स तो काफ़ी हैं, जैसे अभी डेटा साइंस काफ़ी चल रहा है, AI चल रहा है, ठीक है, ये सब भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सब अभी छोटे स्टॉक हो गए, हमको चलना है बिल्कुल सेफ, सेफ चलेंगे। तो ये मेरे को बेस्ट, मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के रखा हुआ है, ये आप प्रायोरिटी वाइज इसको लिख सकते हो, प्रायोरिटी लिखना पड़ेगा आपको, नहीं लिखोगे तो सिस्टम नहीं लेगा ये, ठीक है ना, आपको ये सब डालना पड़ेगा, ये आपने ये सब अमाउंट डाल दिए, ठीक है। ये हो गए हमारे 10,000 रुपये के SIP, अगर हम करना चाह रहे हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक निकाले हैं, अदानी भी आ गया, अंबानी भी आ गया, टाटा भी आ गया, विप्रो सबसे बेस्ट, विप्रो का टारगेट 1,000 का है, आराम से जाएगा ये। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो मंथली करनी है आपको, क्वार्टरली करनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। प्रोडक्ट हमेशा मार्केट पे ही रहेगा, ऑटोमेटिकली डिलीवरी पे रहेगा। SIP ये 6 महीने का इसमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, अगर आपको 10 साल के लिए करनी है तो आप 120 रुपये, 120 लिख दो, तो ये देखो सीधा ये 2034 हो गया, यानी आज 5 सितंबर को आपका स्टार्ट होगा ये, और 5 अगस्त 2034 को ही आपका SIP ख़त्म हो जाए। इतना भरने के बाद सीधा आप यहाँ पे प्लेस कर दो, तो आपकी SIP ऑर्डर आपका लग जाएगा, ठीक है। अमाउंट वाइज करना हो तो सीधा यहाँ पे अमाउंट कर दो, और अमाउंट जो भी आपको SIP अमाउंट करना है 10,000, अब 10,000 के हिसाब से आप वही स्टॉक ऐड कर दो, यानी 10,000 से ज़्यादा वो नहीं लेगा, प्रायोरिटी वाइज उसको आप रख देना, जो भी प्रायोरिटी हमने रखी है, तो इतने स्टॉक हमको चाहिए। अब वो क्या है, कभी कभी प्राइस बढ़ जाता है ना, तो वो नहीं लेगा, इसीलिए मैं अमाउंट नहीं रखता हूँ, मैं क्वांटिटी ही रखी है, जो भी क्वांटिटी होगी, कम हो ज़्यादा हो, हमारी वो हिसाब से वो हर एवरी मंथ इस डेट को, हर मंथ इस डेट को आपका डेबिट हो जाएगा आपके लेजर बैलेंस में से, ठीक है। एक सिस्टम बना लोगे आप, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकता है। और जिस तरह से मैंने बताया पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लोग म्यूचुअल फंड में जाते हैं, ETF में जाते हैं, हम सीधा स्टॉक में जाएंगे। स्टॉक में फ़ायदा ये है कि जो भी बोनस मिलता है, जो भी स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा होता है, जो भी डिविडेंड मिलता है, वो सब हमको डायरेक्ट मिलेगा, तो हम उसको 20 साल की जगह 10 साल में भी हम उसको रेगुलर एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। और आप इसका फिर पावर देखना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 10 साल बाद आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर इसमें निकाल सकते हो पैसे लाइफ टाइम। और 5 साल बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो डिविडेंड आएगा ना, डिविडेंड ही आपका ये इंस्टॉलमेंट पूरा क्लियर कर देगा, 5 साल अगर आपने इसको रेगुलर चला लिया तो, और 10 साल बाद आप उसमें निकालना स्टार्ट कर दो, पैसे आपके ग्रो होते रहेंगे 15% CAGR के हिसाब से, और आपको जो भी बोनस मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो सब आपको एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। तो आप विड्रॉल भी नहीं करेंगे तो डिविडेंड से भी आपका काम हो सकता है, विड्रॉल करना चाहो तो, यानी एक पेंशन आपकी हो जाएगी, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा है, बिंदास आंखें बंद करके इसमें आप SIP करो, आपको इसका परफॉर्मेंस दिखने लगेगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट हो
आप मेरे को पर्सनली कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू।